प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए कतार में लगी हुई बहना आपस में ही लड़ने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल कटनी नगर निगम में लाडली योजना का फॉर्म भरने व समग्र आईडी में सुधार करवाने के लिए काफी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है। ऐसे ही एक दिन अचानक सर्वर डाउन हो गया और काउंटर के सामने कतार में खड़ी महिलाएं एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में आपस में विवाद कर बैठी, जिन्होंने एक दूसरे के बाल खींचते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का नजारा देख नगर निगम कर्मचारियों ने बीच बचाव कर विवाद को शांत कराया। महिलाओं के बीच मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मामले पर नगर निगम अध्यक्ष ने सर्वर डाउन होने के कारण लंबी कतार होने की वजह बताई, साथ ही नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिरिक्त काउंटर खोले जाने की बात कही गई। काउंटर कम है, कमिश्नर भी आ रहे हैं, काउंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, बैठने की व्यवस्था करा रहे हैं, टोकन सिस्टम करा रहे हैं, क्योंकि टोकन सिस्टम नहीं है, सबको पहले कराना, उसकी वजह से आपस में बहसबाजी हो रही है। और यहाँ के जैसे बताया जा रहा है नेट स्लो के कारण भी, और सर्वर डाउन है भोपाल से जी, सर्वर डाउन की वजह से बहुत समस्या आ रही है, भोपाल से है इसलिए यहाँ से कुछ किया भी नहीं जा सकता, उसमें टाइम लगा। तो काउंटर भी बढ़ेंगे कैसे? काउंटर भी बढ़ा रहे हैं। कब से कार्य प्रारंभ हो जाएगा? अरे आज ही से चालू कर रहा हूँ, एक दो दिन में पूरी व्यवस्था है। क्या डेजिग्नेशन सर? आप मनीष पाठक नगर निगम अध्यक्ष। कटनी से आरबी गुप्ता की रिपोर्ट।